तो हाय फ्रेंड्स, देखिए आज हम लोग सब क्या है, ये इसको प्रोटेक्शन करने के लिए, ठीक है। ये एक्सियल का मतलब हो गया कि प्रोजेक्ट इन बिटवीन द बॉडी। तो हमारा जो ये हो गया एक्सियल का, ये हो गया बॉडी के बीचों बीच। ये जो बीचो बीच जो है ये इसको बोलते हैं एक्सियल। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये भी बीचो बीच आ जाता है, ये भी बीचो बीच आ जाता है, ठीक है। तो इसी को बोलेंगे, अभी कोई पूछे व्हाट टाइप ऑफ बोन इज दिस, तो ये दिस इज एक्सियल बोन। व्हाट टाइप ऑफ बोन इज दिस, तो ये क्या हो जाएगा, ये अपेंडिकुलर बोन। ये हो गया। अब इसमें क्या होता है, जो हमने बोला कि अपेंडिकुलर बोन जो है उसका संख्या कितना है 126, और जो एक्सियल है उसका संख्या कितना है 80, ये 80, ठीक है। अब आ जाते हैं, यानी ये दोनों का आप जोड़िएगा तो 206 हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं हड्डियों के बारे में। तो जो हड्डी है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, जिसका फॉर्मूला CaCO3 होता है। हड्डी में जो प्रोटीन होता है वो ओसिन नाम के प्रोटीन से बना होता है, ठीक है। हड्डियों का जो स्टडी होता है उसको ऑस्टियोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। तो जो ऑस्टियोलॉजी है ये वास्तव में ग्रीक वर्ड, साइंस जब भी पढ़ेंगे तो जनरली आधे से ज्यादा नाम ग्रीक वर्ड होते हैं, ठीक है। तो ऑस्टियोलॉजी लिखा जो हमने, तो ये ऑस्टियो जो क्या है, ये ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है बोन्स, हड्डियां, ठीक है। और लॉजी मतलब हो गया स्टडी, ठीक है। उसके बाद आते हैं, ये हमने जहां 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 भी हड्डी है, ठीक है, तो हड्डी है तो हड्डी का जो एंड है लास्ट यहाँ से, तो वहां पे आपका टफ थोड़ा सा मांस हो गया, ठीक है, जिसको हम लोग कार्टिलेज बोलते हैं। अभी उधर देखिए, तो हड्डियां जो बनी है वो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी है और उसमें ओसिन नाम का प्रोटीन होता है। और तो जो कार्टिलेज होता है, तो कार्टिलेज क्या होता है, सॉफ्ट बोन, ठीक है, सॉफ्ट बोन। तो जो कार्टिलेज होता है वो क्या होता है, उसका फॉर्मूला ये है, ये क्या होता है, जो जनरली होता है कैल्शियम फॉस्फेट का 3PO4 हो गया। तो इसमें क्या होता है कि जनरली एंट्रेंस एग्जाम में आता है, ये जो छोटा छोटा लग रहा है ये एंट्रेंस एग्जाम में आता है, दिमाग खराब हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि कॉन्ड्रियन, ये कॉन्ड्रियन नाम के जो है प्रोटीन से बना होता है, जो क्या होता है कि फ्लेक्सिबल, लचीला, और लचीला होने के नाते टफ, यानी कि टफ टिश्यू से बना होता है। ये हो गया कार्टिलेज की बात। अब आते हैं हम लोग यहाँ स्केलेटन के दूसरे, अब देखिए स्केलेटन जो होता है वो दो भाग में उसको बांट देते हैं, ठीक है, कैसे कि वो इंटरनली ऑन द बेसिस ऑफ बोन, ठीक है, और ये इसको क्या बोलेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ वजन, ठीक है, उपस्थिति के लिए। एक हो गया एंडोस्केलेटन और एक एक्सोस्केलेटन। तो नाम से ही आपको लग रहा है, ठीक है, नाम से ही लग रहा है कि इंडो का मतलब है कि बॉडी के अंदर होगा और एक्सो का मतलब बॉडी के बाहर होगा। तो सिंपल बात है कि जो चिड़िया है, हमारा शरीर है, हमारे शरीर के ऊपर क्या है, मांस है, उसके अंदर हड्डी है। चिड़िया, कुत्ता, कुछ भी जितने जानवर देखते हैं वो सारे के सारे हड्डी क्या हो गया, वो बॉडी के अंदर, तो उसको बोलते हैं हम लोग, ये क्या नाम है, ये एक्सोस्केलेटन बोलेंगे यहाँ पे, कि जो सॉफ्ट एनिमल है, जो मुलायम, ठीक है, तो उनके जैसे क्रैब हो गया, कॉकरोच हो गया, ठीक है, तो उसके जैसे पैर पे हाथ से पड़ जाता है तो क्या होता है, तो वो फट जाता है, टूट जाता है। तो ये जो होते हैं वो एक्सोस्केलेटन होते हैं। कॉकरोच का ऊपर का जो बॉडी देखा होगा वो क्या होगा, वो उनका स्केलेटन है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है ज्वाइंट्स। ज्वाइंट्स क्या होता है, दो हड्डियों को जोड़ने का जो प्रोसेस है उसी को ज्वाइंट बोलते हैं, ठीक है, दो हड्डियाँ। तो ये जाहिर सी बात है कि ज्वाइंट्स जो होंगे वो अलग अलग होंगे, दो हड्डियों का ज्वाइंट हो सकता है, ठीक है, और ये मांस और हड्डी भी जुड़े होते हैं। तो अभी क्या है, लिगामेंट और एक टिश्यू, सॉरी लिगामेंट और टेंडन्स, ये दो तरह के ये टिश्यू होते हैं। कि यदि दो हड्डियां हैं, सपोज दैट ये दो हड्डियां हैं, तो हर एक हड्डी एक दूसरे से जुड़ी हो जहाँ पे, तो हड्डियों से हड्डियों को जोड़ने का काम किसने किया, ये टेंडन। तो बोले टेंडन्स क्या है, टफ टिश्यू, ठीक है, ये टिश्यू है जो हड्डियों के बीच में, विच इज प्रेजेंट इन साइड इन बिटवीन द टू बोन, ये हो गया। अब उसके बाद है ये मसल, हमारा जो मांस है हम इसको खींचते हैं तो ये खींचा के बाहर नहीं आता। तो व्हाट आर लिगामेंट, तो लिगामेंट साहब क्या बोलेंगे, लिगामेंट को हाँ ये है मसल। ये शॉर्टकट में क्या हो गया, लिगामेंट क्या है MPP और क्या BTP, ये शॉर्टकट में जब पढ़ते हैं याद करते हैं, ठीक है, 9th क्लास में है कि हो जाएगा, ये कंफ्यूजन हो जाता है, जनरल एग्जाम होना ही है, ठीक है, कि लिगामेंट होगा कि टेंडन होगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, लिगामेंट में क्या MTP और ये टेंडन में है BTP, ठीक है, BTP और MTP, ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ पे,
ये ज्यादा नहीं है, छोटा है, अभी बीच बीच ओवरऑल बता रहे हैं, ठीक है। बारे बताया मैंने कि कार्टिलेज क्या है, ये इट इज ऑल्सो कॉल्ड सॉफ्ट बोन, हड्डियां एक मजबूत थी, ठीक है। तो ये सॉफ्ट बोन जो हमारे एंड ऑफ द बोन, हड्डियों के पास, जो चिकन मटन खाते होंगे तो उन्होंने देखा होगा ये जो हड्डी है, तो हड्डी तो ये नहीं चबाया जाए, लेकिन हड्डी क्या है, थोड़ा सा स्पॉन्जी टाइप, ठीक है, वो मतलब कि खाने में मतलब कि कुतर कुतर के खाने के भी नहीं हो गया, थोड़ा सा टफ जैसा रहता है, ये जो एज में लगा रहता है यही कार्टिलेज, ठीक है। ये क्या हो गया, कान मार मां से, ये नाक हो गया, कान हो गया, तो ये जनरली क्या हो गया, ये आपको ये कार्टिलेज होते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या होता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड सॉफ्ट बोन प्रेजेंट एट द एंड ऑफ द बोन एंड द जॉइंट। अभी कार्टिलेज कहाँ होता है, अभी तक पढ़ा होगा आपने, कार्टिलेज सॉफ्ट बोन को कहते हैं। तो ये व्हाट इज द लोकेशन ऑफ कार्टिलेज, तो इट इज प्रेजेंट एट द एंड ऑफ द बोन, ठीक है, एंड ऑफ द बोन, यानी क्या हो गया, दो हड्डियों के बीच में क्या हो गया, टेंडन होगा, और टेंडन के ऊपर क्या होगा, कार्टिलेज, ठीक है, कार्टिलेज हो गया। उसके बाद यहाँ पे इंटू, अब आ जाते हैं एक एक करके बारी बारी मोटा मोटी हम लोग पढ़ लेते हैं, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जॉइंट्स के बारे में, ठीक है। देखो तो पहला का स्कल, स्कल जो हो गया उसको खोपड़ी बोलते हैं, ठीक है, इसको खोपड़ी बोलते हैं, तो इसको बोनी बॉक्स भी बोलते हैं, स्कल को बोलते हैं बोनी, बोनी मतलब हड्डियों का ढांचा, ठीक है। हमारा जो दिमाग है, जो ब्रेन है, ठीक है, ब्रेन को बायोलॉजिकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, इनसेफलॉन, इनसेफलॉन लिख लो, इनसेफलॉन, ठीक है, इनसेफलॉन हो जाएगा ई से, ई एस डी ई एफ एल ओ एन, इनसेफलॉन, ठीक है। यही जो दिमाग की पढ़ाई पढ़ते हैं उसको बोलते हैं इंसेफलॉजी। व्हाट इज राइट नाउ डूइंग, व्हाट आर यू टीचिंग या लर्निंग, इंसेफलॉजी, ये हो गया, इंसेफलॉन हो गया स्टडी ऑफ ब्रेन। अब जो ब्रेन जो होता है कि व्हाट इज द लोकेशन ऑफ ब्रेन, ब्रेन कहाँ लोकेट होता है, तो हमारा बोनी बॉक्स जो स्कल, तो जो हमारा जो खोपड़ी है, ठीक है, ये जो खोपड़ी है, तो खोपड़ी में क्या होता है, 22 फ्लैट हड्डी है, ये जो ए है, और 22 फ्लैट बोन है, और ये फ्लैट बोन है, स्ट्रॉन्ग है। अभी देखो कभी क्या, एक हड्डी को जो स्ट्रॉन्ग होगा तो क्या कमजोर होगा, तोड़ेंगे बीच से क्रैक हो जाएगा। हाँ, एक और बात है, क्रैक से याद आया आपसे, एक वर्ड है फ्रैक्चर, ठीक है। अभी किसी की हड्डी टूट गई, तो लकड़ी टूट गया, कुछ भी टूट गया, टूटने का जो हम लोग जनरली जो वर्ड इस्तेमाल करते हैं, ब्रोकन, ब्रेक मतलब टूट गया, ठीक है। तो लेकिन फलाने का हड्डी टूट गया, तो उसको बोला गया हिज बोन्स वर ब्रोकन, तो ब्रोकन इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, फ्रैक्चर, ठीक है। यानी फ्रैक्चर को क्या बोला, दरार, फ्रैक्चर का मतलब है कि यानी हड्डियाँ हैं, हड्डियों में थोड़ा सा ये थोड़ा सा दरार आ गया, ठीक है, यानी मुड़ने की वजह से, तो इसी को फ्रैक्चर बोलते हैं। तो फ्रैक्चर इज कभी कभी आता है कि फ्रैक्चर इज रिलेटेड टू डेथ और बोन। अब आ गया, अब ये नहीं है किसी का दिल टूट गया तब ये फ्रैक्चर फाट नहीं होगा, ठीक है। चलो आते हम लोग ये फ्लैट, तो ये जो फ्लैट बोन है इसको क्रैनियम बोलते हैं, ठीक है, ये जो सर जो है इसको बोलते हैं क्रैनियम बोलते हैं, ये क्रैनियम होता है, क्रैनियम हो गया। अब आते हैं ये मेरा क्या है, रिब केज, तो रिब केज में ये 12 हड्डी एक साइड, 12 हड्डी एक साइड, 12 12 24, ठीक है। तो ये व्हाट इज द नंबर ऑफ बोन्स इन रिब केज, तो रिब केज में 12 पेयर, या तो 12 पेयर बोलो, यानी तो नंबर ऑफ 12 24 बोन होते हैं। तो यहां देखो ये जो सामने वाला जो हड्डी है ये इसको बोलते हैं स्ट्रेनम, स्ट्रेनम, ठीक है। और जो पीछे वाला जो हड्डी है ये इसी को बोलते हैं वर्टिब्रेट, ये वर्टिब्रेट, तो ये वर्टिब्रेट है, ये हड्डी है, तो इसमें है कि जो पीठ की हड्डी जिसकी भी होती है उसको वर्टिब्रेट बोलते हैं। तो वर्टिब्रेट जो भी होते हैं ना वो मेमल्स होते हैं, तो मेमल्स का मतलब होता है कि जिसका कान बाहर होगा वो फीडिंग करता हो, माँ का दूध, माँ उसको दूध पिलाती होगी, उसके बॉडी पे हेयर होगा, तो मेमल्स पहचानने का ये तीन तरीका होगा, याद कर लीजिए। तो ये जो एक एक हड्डी है, हड्डी दिखाई दे रहा है, एक एक हड्डी है, ये एक एक हड्डी 33 बोन्स है, ये 33 को हम लोग वर्टिब्रा कॉलम कहते हैं, और ये एक हड्डी को वर्टिब्रा बोलते हैं, एक हड्डी को क्या बोलते हैं, वर्टिब्रा, और यही है वर्टिब्रा, 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 पूरा होगा वर्टिब्रेट। अभी वर्टिब्रेट तो क्या पे, अब इसकी वजह से क्या है, इसके बीच में थोड़ा थोड़ा गैप है, तो जो गैप है हड्डियों के बीच में जनरली जो गैप होगा उसमें एक लिक्विड होगा, उस लिक्विड को हम लोग बोलते हैं साइनोवियल फ्लूइड। तो साइनोवियल फ्लूइड की वजह से क्या है, बूढ़े लोगों को थोड़ा सा दिक्कत होती है बैठने में उठने में, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, क्यों, क्योंकि उनका एज हो जाता है, क्या कहाँ तक बोल,
कहां तक बता? अच्छा हाँ, तो ये जो हड्डियां है, हड्डियों के बीच में क्या है, ये जो हमने बताया वर्टीब्रेट है, तो ये जनरली क्या है, हम लोग जो जवान लड़का लड़की खूब दौड़ता है, एक्सरसाइज करेगा, आगे करेगा, पीछे करेगा, लेकिन ये सारा काम जो है कि ओल्ड एज लोग नहीं कर सकते। क्यों भाई? कि जब से वो जा रहे हैं आ रहे हैं तो उन्होंने बहुत तरह का वर्क किया हुआ, तो वर्क करने की वजह से ये दो हड्डियां बीच में आपस में फ्रिक्शन होता है, और उन फ्रिक्शन की वजह से उनमें जो तेल होता है, तेल बोलिए मोटा मोटी समझने के लिए, तो जो फ्लूइड होता है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है, तो इसी खत्म होने के बाद उनके हड्डियों में फ्रिक्शन होता है, घर्षण होता है, और उसी की वजह से हड्डियों में आवाज आता है या फ्लेक्सिबली बैठ नहीं सकते, बैठेंगे लेकिन थोड़ा सा पोजीशन लेके बैठेंगे। ठीक है, अभी किसी जवान लड़का लड़का बैठो यहाँ पे, बोलते हैं 100 बार उठक बैठक करो, अप एंड डाउन करेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसके बॉडी में सैलिवरी फ्लूइड प्रॉपर है पूरा। अब आते हैं यहाँ पे, ये वर्टीब्रा बता दिए, अब उसके बाद एक चीज आ गई, रिब केज, सॉरी रिब केज में सारी हड्डियां किससे जुड़ी है? स्टर्नम से वर्टीब्रेट, स्टर्नम से वर्टीब्रेट। ठीक है, लेकिन जो दो हड्डियां है, ये दो पेयर, दो और दो चार, ये चार हड्डियां है, ये दिखाई दे रही है। ठीक है, ये जो चार हड्डी है, इस चार हड्डी को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग रिब्स। ठीक है, ये फ्लोटिंग रिब्स, सब बोले जाके फ्लोटिंग रिब्स क्या होता है, द रिब व्हिच इज प्रेजेंट इन द बोन्स व्हिच इज प्रेजेंट इन रिब एंड नॉट अटैच इन द स्टर्नम, जो स्टर्नम से नहीं अटैच है उसी को बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स। ये फ्लोटिंग रिब्स हो गया। अब उसके बाद आएगा ये हो गया, फिर जनरली एक सवाल आता है कि ये जो जबड़ा होता है, जबड़ा तो हो गया, ये अपर जा एंड लोअर जा, तो ये जो अपर जा है ये मूवेबल नहीं होता। किसी को बोले कौन सा जॉब मूवेबल होता है, तो चुपचाप मुंह हिलाएं, मेरा ऊपर वाला जा रहा है कि नीचे वाला जा रहा है? यस सर, नीचे वाला। ठीक है, तो जिस तरह से देखो इसका क्या है, फिलहाल इसको लंच लाएंगे, लंच चलो हाँ एकदम ला दे तू, देखो कोल्ड ड्रिंक नहीं। अब देखो तो ये क्या हो गया कि विच जो इज मूवेबल, लोअर जो इज मूवेबल, ये हो गया। तो जबड़ा क्या करता है, हमारे दांत को बचाता है, जबड़ा किसको बचाता है, जीभ को। ठीक है, तो जीभ भी बच गया पे। अब देखो ये हो गया, अब उसके बाद हो गया हाथ पैर को बायोलॉजिकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, लिम, LIMB, लिम, लिम। तो ये क्या हो गया, ये मेरा कौन सा हो गया, अपर लिम। पैर तो लिखते किससे है, अपर लिम से, चलते किससे है, लोअर लिम से, ये अपर लिंब हो गया और ये लोअर लिंब हो गया। ठीक है, ये जो कमर का हड्डी है इसको बोलते हैं पैल्विक ग्रिडल। ठीक है, पैल्विक ग्रिडल, ये पैल्विक ग्रिडल, ये हो गया शोल्डर ग्रिडल। ठीक है, ये शोल्डर, और ये क्या हो गया, इसी को सर्वाइकल बोन बोलते हैं, ये जो हड्डी है इसी को सर्वाइकल बोन बोलते हैं। कोई गिरता है तो ना बाजू नहीं होता, प्लास्टर वगैरह चढ़ता है, तो प्लास्टर इधर चढ़ गया तो फ्रैक्चर है, यहां से चढ़ा हुआ ये पूरा जाम, इसका जो ये वाला जो पोर्शन है ये टूट गया। ठीक है, ये टूट गया। अब आ जाते हैं, ये हो गया पैल्विक ग्रिडल हो गया, तो पैल्विक ग्रिडल है, इसको हिप ग्रिडल भी बोलते हैं। अभी कोई बोले कि व्हेन यू सीट, जब बैठते हो तो बैठने के दौरान कौन सी हड्डी तुम्हारी अटैच होती है बेंच से, ऊपर से, तो क्या हो जाएगा, ये हिप ग्रिडल, हिप ग्रिडल या पैल्विक ग्रिडल। अब उसके बाद ये हड्डी नीचे आ गया, तो ये जो है हड्डी, ये वाला जो सबसे बड़ी हड्डी कौन सी, जांघ की हड्डी, जांघ की हड्डी को क्या बोलते हैं, फीमर। ठीक है, ये फीमर हो गया, ये दोनों का दोनों। और उसके बाद क्या हो गया, ये एंकलेट हो गया, ये एंकलेट हो गया। ठीक है, और उसके बाद ये नी हो गया, ये नी, नी के ऊपर क्या होता है, नी क्या, लिम्स, लिम्स होता है बायोलॉजिकल भाषा में, लिम को हाथ और पैर को, ये मेरा हाथ हो गया, पैर, हाथ और पैर को लिम्स बोलते हैं। तो लिम्स दो भाग में बढ़ गया, ये अपर लिम्स और ये लोअर लिम्स, यानी क्या हो गया, ये मेरा स्केलेटन है, इसको क्या बोलेंगे, ये अपर लिम्स, और ये जो पैर है ये मेरा, ये पूरा का पूरा ये अपर लिम और पीछे वाले को लोअर लिम। ठीक है, तो ये अपर लिम, तो ये अपर लिम जो हो गया, ये हाथ जो है इसी को ह्यूमरस, ये जो ह्यूमरस है जो ऊपर वाला बोल रहे हैं, यहाँ पे क्या हो गया, ये जो हाथ है, तो ये दो चीज का बना हुआ, एक रेडियस, ठीक है, और दूसरा क्या होगा अल्ना, ये पूरा का पूरा, ये जो ऊपर वाला है यहाँ पे, तो अल्ना किसको बोलेंगे यहाँ पे, कि जो रेडियस है उसको क्या हो जाएगा, ये जो पूरा हाथ आया ये अंगूठा से अटैच है। ठीक है, और ये जो दूसरा हड्डी जो आया यहाँ पे, इसको एक अल्ना हो गया पे, और जो है यानी कि वो हड्डी जो अंगूठा से अटैच है, अंगूठा से ये अटैच है, अंगूठा मेरा क्या हो गया, अंगूठा से
ये वाला जो हड्डी है ये हड्डी को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे रेडियस, और जो लिटिल फिंगर इसको बोलते हैं लिटिल फिंगर। तो लिटिल फिंगर से ये मेरा कौन सा ये अटैच है, ये वाला जो है तो उसको बोलते हैं अल्ना। ठीक है, अब आ जाते हैं, अब उसके बाद है कि हमारी जो हड्डियाँ है ये जो रिस्ट है, रिस्ट का मतलब यहाँ पे जो हड्डी है यहाँ पे आठ हड्डी होता है, तो इस आठों हड्डी का जो नाम है कार्पेल, यहाँ पे कार्पेल जो रिस्ट के पास है ये मेरा हथेली है, तो हथेली पे वाली हड्डी को मेटा कार्पेल बोलते हैं। हथेली वाली हड्डी को ये क्या हो गया, ये मेटा कार्पेल बोलते हैं। तो मेटा कार्पेल की संख्या क्या है, पांच। अभी मोटा मोटी बता दे रहा है, फिर लास्ट में सारा हड्डी है कि कौन सा कहाँ पे होता है। फिंगर, ये जो उंगलियां है तो उंगलियां पे यहाँ है, उंगलियों की हड्डी को बोलते हैं कि फ्लैंजिस, फ्लैंजिस ये पूरे उंगली की हड्डी को फ्लैंजिस बोलते हैं। तो ये पूरी हड्डी क्या है, ये 14। तो 14 में जो अंगूठा है यहाँ पे, ये अपने जहाँ जब गांठ देखा एक दो तीन यानी 3 × 12 और ये क्या हो जाएगा, ये 13 और ये 14। यहाँ अंगूठा में 3 गांठ नहीं होता, अंगूठा में 2 ही होता। तो ये जो है कि ये हमारा ये अंगूठा जो है किससे बताया, ये रेडियस से, जो ये वाली हड्डी है रेडियस से अटैच है। ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं जॉइंट्स पे। तो जॉइंट का मतलब क्या होता है, आपको पीछे बताया है दो हड्डियों के बीच को हम लोग जॉइंट्स बोलते हैं। तो जो जॉइंट होगा, जो जॉइंट के बीच में क्या होता है, वो लिगामेंट होगा। ठीक है, तो जॉइंट्स कहाँ कहाँ होंगे, ये हमारे अंगूठे में टोज हो गया, एंकल्स में एड़ी के पास, नी घुटने के पास, हिप ये कमर के पास, ये नेक गर्दन के पास, ये शोल्डर के पास, ये एल्बो हो गया, रिस्ट हो गया, और फिंगर। यानी व्हाट आर द वेरियस पार्ट ऑन व्हिच जॉइंट्स आर प्रेजेंट, तो जॉइंट्स आर प्रेजेंट ऑन दिस प्लेस। अब एक जॉइंट आ गया, तो जहां भी जॉइंट है तो बॉडी में सारा जॉइंट है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारा जॉइंट्स एक जैसा ही है। ठीक है, तो बॉडी में करीबन क्या है कि 4 या 5 जो जॉइंट होते हैं ये अलग अलग, तो हम लोग बारी बारी से समझते हैं कि कौन सा जॉइंट कहाँ पाया जाता है, क्योंकि ये कंफ्यूजन होता है। ठीक है, तो बारी बारी से दिखाते हैं। ये होगा पहला होगा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो ये जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का होता है ये क्या करता है, इट अलाउज मैक्सिमम मूवमेंट। ये क्या होता है कि ज्यादातर ये घूम सकता है, मूवमेंट कर सकता है, और क्या हो गया ये चारों तरफ है, ये सेवरल डायरेक्शन, यानी चारों तरफ, ये मेरा आर्म है, बाजू क्या है, हम चारों तरफ इधर उधर उधर चारों तरफ घुमा सकते हैं। ठीक है, ये कमर है, इधर उधर कर सकते हैं जो डांस वगैरह के लिए। तो अभी जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहाँ पे हो गया, ये मेरा क्या हो गया, ये आर्म, ये वाला जो बाजू यहाँ पे देखो, यहाँ पे आर्म हो गया पे, और ये जो है कमर यहाँ पे पीछे, तो ये हमने लिखा है हिप और आर्म में बॉल एंड सॉकेट जॉइंट मौजूद होते हैं। अब आ जाते हैं यहाँ पे, देखो अब आ जाते हैं यहाँ पे, ये दूसरा क्या है, दूसरा हिंज जॉइंट। तो हिंज में जॉइंट है, दरवाजे में देखा हो, दरवाजा जब भी खोलते हैं तो एक साइड खोल के बंद हो जाता है, ये देखिए उधर चला जाता है। तो ये क्या हो गया, इट अलाउ द मूवमेंट इन ओनली वन डायरेक्शन, वो जॉइंट जो एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट करे उसको हम लोग हिंज जॉइंट कहते हैं। ठीक है, जैसे कि दरवाजे में हिंज लगा होता है। इसके बाद इट अलाउ द मूवमेंट इन वन डायरेक्शन, ये एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट करता है। थर्ड आ गया, तो थर्ड क्या हो गया, ये पिविटल जॉइंट, ये जो पिविटल जॉइंट भी बोलते हैं, तो पिविटल जॉइंट क्या होता है, इट अलाउ मूवमेंट साइड बाई साइड फ्रॉम द नेक एंड द फोर आर्म। ठीक है, तो फोर आर्म का भी अगर साइड बाई साइड होगा एक दूसरे पे, जैसे कि यहाँ पे ये पोर्शन क्या होगा, ये जो है यहाँ पे साइड बाई साइड, ये जो कहाँ मौजूद होगा पिविटल, गर्दन में, नेक में और फोर आर्म में, ये जो गर्दन में हो गया और यहाँ पे ये, और उसे ग्लाइडिंग जॉइंट। तो ग्लाइडिंग क्या हो गया भाई, इट हैज फ्लैटेड बोन्स दैट ग्लाइड और मूव अगेंस्ट ईच अदर, कि ऐसी हड्डियां जो एक दूसरे पे चढ़ी होती है, ठीक है, मूव करती है, उनको हम लोग ग्लाइडिंग बोन्स कहते हैं। तो इट अलाउ द मूवमेंट साइड बाय साइड, ये केवल एक तरफा ही हो सकता है। ठीक है, यानी आगे पीछे और ये क्या है, एक तरफा। तो ये जनरली क्या होता है, ये जनरली रिस्ट, ये जो है कि ये जो रिस्ट, ये जो घड़ी बात है, रिस्ट हो गया, जो एंकल है, ये क्या हो गया, आगे पीछे होता है साइड बाय साइड, ये क्या हो गया, आगे ऊपर नीचे हो गया साइड बाय साइड, ऐसे ही हो ना, इसका दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। ये हड्डियों के बारे में तो बता दिए, तो मैं कुछ छोटा मोटा बात जो ओवरऑल हड्डियों से पूरा होता है, तो इनफैक्ट अबाउट बोन में क्या बताया, हम जो पैर में झुकते हैं यहाँ पे, यहाँ ये क्या हो गया, ये मेरा एड़ी हो गया, एंकल हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये जो एड़ी का जो पीछे वाला पोर्शन है इसमें 7 हड्डियां होंगी। ठीक है, इन 7 हड्डियों का नाम है टार्सल, यानी टार्सल बोन इज
क्या हो गया, ये प्रोजेक्ट इन द ये जो है हील, इसको हील जहाँ पे जूता का ये रहता है हील, और उसके बाद के जो बीच और जो मेंटिक पोर्शन है इसको बोलते हैं मेटाकार्पल। मेटाकार्पल हड्डी का नाम है, और जो आगे है मेटाकार्पल की संख्या कितना है 5, यानी 7 को हड्डी हो गया ये डार्सल जो एडी के पास, एडी से आगे जो आते हैं उसको मेटाकार्पल बोलते हैं, जो 5 हड्डियां है उसमें, और उसके बाद फ्लैंजेस, ये जो आगे जो पंजा के पास उंगली है वो 14 उंगली है, 14 हड्डियों से बना हुआ है जिसको बोलते हैं फ्लैंजेस। अब आ जाते हैं पैल्वी, तो पैल्वी का मतलब ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है इसको पैल्वी बोलते हैं। ये जो पोर्शन है पैल्वी के अंदर दो हड्डियां कौन सी, एक ये हड्डी हो गया और एक ये हड्डी हो गई, उसके बाद तो जनरली जो फीमेल है, तो फीमेल में जो फीमेल का पहचान अभी क्या मुख्य कोई बोला कि लड़की या लड़का का आप कैसे पता चलेगा इसके अंदर, तो ये पैल्विक एरिया पे, तो जो लड़का का जो पैल्विक एरिया होगा वो छोटा होगा यानी कि लेस ब्रॉडर होगा, और जो फीमेल का होगा तो वो जो ब्रॉडर पैल्विक एरिया ये बड़ा हो जाएगा फीमेल का, ठीक है। अब देखिए, अब उसके बाद जो है कि इसियम, जब हम लोग बैठते हैं तो ये वाला जो हड्डी यहाँ पे, तो ये बैठते हैं वाला पूरा जो हड्डी है जो बैठ गया यहाँ पे, तो ये जो बैठते हैं ये वाला जो हड्डी है ये इसी को बोलते हैं इसियम। तो जब बैठते हैं तो कौन सी हड्डी पे जोर पड़ता है, तो हम लोग इसियम पर बैठते हैं, ठीक है। उसके बाद सर्वाइकल, ये जो सर्वाइकल यहाँ पे हमने बुक में पढ़ा था, आपको बताया था कि शोल्डर गिर्डल, तो शोल्डर गिर्डल कौन सा है यहाँ पे, ये शोल्डर गिर्डल यहाँ पे है, तो यहाँ पे देखो दो हड्डियां, एक ये हड्डी दिखाई दे रहा है, एक ये हड्डी दिखाई दे रहा है, और जो दूसरा ये, ठीक है, ये ऊपर वाला हड्डी और ये दो, तो ये जो ऊपर वाला हड्डी है उसी को बोलते हैं यहाँ पे सर्वाइकल, ठीक है, ये सर्वाइकल। और जो साइड वाला है ये स्कैपुला, ये वाला जो बोन है ये क्या होगा, ये किसी का हाथ टूटता है ये क्या होगा, ये वाला जो हड्डी है ये स्कैपुला, तो स्कैपुला और ये जो क्या हो गया सर्वाइकल, ये दोनों हड्डी को मिला के हम लोग शोल्डर गिर्डल कहते हैं। इसका हड्डी दिखा है, दो हड्डी इसका हो गया और दो हड्डी इसका हो गया। खोपड़ी, स्कल में 22 हड्डी होता है, ठीक है, हमारा जो फेस होता है उसमें 14 हड्डी होता है, ठीक है। ये जो लोअर जा, हमारा जो लोअर जा, ये जो नीचे वाला जो जा है ये, ठीक है, ये मूवेबल होता है, तो जो लोअर जा में हड्डी होती है उसको बोलते हैं मैंडिबल, ठीक है। मैंडिबल क्या है, मैंडिबल वो हड्डी है जो लोअर जा नीचे वाले जबड़े में होता है। उसके बाद है क्रैनियल बोन, ये जो क्रैनियल बोन की संख्या है यहाँ पे क्या है 8, ठीक है। क्रैनियल बोन कहाँ होता है, ये जो सर है यहाँ पे, ये जो सर के नीचे वाला जो छेद है ये जहाँ से हमारा ये जो वर्टिब्रेट अटैच है या जो छेद है वहाँ पे, तो वहाँ पे इसी को बोलते हैं क्रैनियल बोन। तो ये 8 है यहाँ पे होल दिया है, गर्दन के पास जो छेद होगा वो हड्डी को बोलते हैं क्रैनियल बोन, तो वहाँ पे 8 हड्डियों से बना हुआ है, ठीक है। अब आते हैं रीढ़, रीढ़ में 24 यहाँ पे ये जो आपको दिखाते हैं ये क्या हो गया, ये टोटल हड्डी है 24, 24 को क्या बोलेंगे यहाँ पे 12 के, ठीक है। अब आ जाते हैं स्नेक, अब देखो जो सांप है, तो ये जो सांप है तो सांप के 2 से 3 तक का फ्लोटिंग रिब होता है, तो फ्लोटिंग रिब में क्या होता है, ये स्ट्रैनम से अटैच नहीं होता है, तो सांप में जो है सांप इतना मूवमेंट कैसे कर लेता है, इसलिए क्योंकि उसका जो अटैच नीचे हड्डी नहीं होता, तो ये ऊपर वाला हड्डी यानी कि जिस तरह से ये नीचे अटैच नहीं होता है, तो यही जो पूरा जो है हमारा जो रीफ के जैसे है कि वो 200 से 300 तक फ्लोटिंग रिप्स होता है, और उसी फ्लोटिंग रिप से वो आराम से वो मूव कर लेता है सांप। अब आ जाते हैं लास्ट, हायर्ड, ये जो जब किसी को फांसी लगता है, तो फांसी लगता है तो ये क्या होता है, दम क्यों निकल घुट जाता है, एक तो ऑक्सीजन का कमी होता है और दूसरा जो हड्डी टूटता है, तो जो हड्डी टूटता है तो हायर्ड, ठीक है। हायर्ड बोन जो है वो क्या है, गर्दन में होती है, जब भी किसी को फांसी दिया जाता है तो जो हायर्ड बोन होता है वही टूट के अलग हो जाता है, ठीक है। तो ये जो हमने पूरा बताया आपको स्केलेटन के बारे में, ये जो स्केलेटन हो गया, ये पूरा का पूरा स्केलेटन सिस्टम हो गया, ठीक है, और आपको पूरा का पूरा, ठीक है। अब देखिए, अब इसके बारे में क्या है कि जो थ्योरेटिकल था, प्रैक्टिकल था, ओवरऑल जीके के व्यू से या आपके बुक के व्यू से मैंने सारा बता दिया, ठीक है। चलिए अब देखो, यहाँ पे ये जो गला पोर्शन जो थ्रॉट बोलते हैं, ठीक है, ये क्या हो गया, यही थ्रॉट है, यही थ्रॉट क्या है, अंदर से गया है, तो ये जो इसमें जो गले में जो हड्डी होता है ये क्या हो गया 12 हड्डी हो गया, और सर्वाइकल में जो हड्डी होता है आमतौर पर जो तकिया हो गया लेके ऊंचा होते हैं तो ये सर्वाइकल हो जाता है, उसमें बहुत पेन होता है,
ठीक है, और कॉस्टिंग भी पड़ता है। तो इसमें जो है हड्डियां में क्या है, ये हड्डियों का नंबर है C1 to C7, ये सारी हड्डियां है जिसको सर्वाइकल बोन बोलते हैं। देखिए हेड है हमारा जो पूरा खोपड़ी हो गया, इसमें 29 बोन हो गया। ये जो कान है, कान में क्या हो गया आपको, ये कितना हो गया, ये कान में आपका ये 6 बोन हो गया, जिसको लोग शॉर्ट कट में मिस बोलते हैं MIS। MIS जो है मेलियस, फिर उसके बाद इनकस और स्टेपिस। जो स्टेपिस जो होता है वो सबसे छोटी हड्डी होती है। तो जीके के नजरिए से दो बार कि सबसे जो छोटी हड्डी होती है स्टेपिस, जो कान में होती है, और सबसे बड़ी हड्डी जो क्या होती है पैर में होती है, जिसको फीमर, ठीक है। और फीमर जो होता है वो हॉलो बोन होता है, वो पूरा का पूरा खोखला होता है। तो होप यू अंडरस्टैंड ऑल अबाउट द स्केलेटन, ठीक है। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में।